दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों क्या आप सोनू सूद को जानते हैं? शायद नहीं जानते होंगे। दोस्तों आपको बता दे, रास्ते में पड़ी गंदगी देखकर उस पे चिल्लाने वाले तो आपको बहुत से मिल जाएंगे, लेकिन बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो उस गंदगी को उठाकर कूड़ेदान में फेंकने की हिम्मत जुटा पाते हैं। और आज हम आपके साथ एक ऐसे ही शख्स की बातें साझा करने वाले हैं जो यूं तो फिल्मी पर्दे पर आपको अधिकतर विलेन का काम करते हुए दिख जाएंगे, लेकिन असल मायनों में हीरो क्या होता है इन्होंने सबको दिखा दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे, हम बात कर रहे हैं सोनू सूद की, जिन्होंने एक ऐसा कारनामा करके दिखाया जिसकी वाहवाही आज पूरा देश कर रहा है। और अगर आपको इस बारे में नहीं पता है तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपके फेवरेट चैनल में आपको वो सच बताने वाला हूँ जो आपको पूरी तरह से हैरान करके रख देगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों लॉकडाउन के पूरे 2 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत से लोग अपने घर से दूर फंसे हुए हैं। ऐसे में आप लोगों ने लॉकडाउन के बीच ऐसी बहुत सी कहानियां सुनी होगी जहां पर लोग मजबूरी में मीलों का सफर पैदल तय करते हुए नजर आए। उनके पैरों में छाले थे, भूख से तड़प रहे थे, लेकिन करते भी तो क्या, ना काम धंधा चल रहा था और ना ही खाने के लिए 2 रोटी थी, तो जाहिर सी बात है उन्हें अपना घर ही दिखाई दे रहा था। और अपने घर जाने के लिए वो एक एक कदम बढ़ाए जा रहे थे। कोई दिल्ली से उत्तर प्रदेश का सफर तय कर रहा था तो कोई बिहार का, क्योंकि ये बात तो हमें अच्छे से पता है कि हमारे यूपी बिहार के ज्यादातर नौजवान काम की तलाश में दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जाते हैं। और पूरे लॉकडाउन के चक्कर में सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं लोगों को हुआ, क्योंकि उनका पूरा काम तो ठप पड़ गया था और जहां पर काम करते थे वहां के मालिकों ने भी इनके आगे हाथ जोड़ लिए थे। ऐसे में बेचारे करते भी तो क्या, मीलों का सफर पैदल तय करने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। अब हमारी सरकार क्यों ना कहे कि इतने का बजट बनाया गया है, इतना देंगे उतना देंगे, लेकिन सच तो ये है कि जिन्हें देना चाहिए उन तक वो चीजें पहुंचती ही नहीं। हजारों की संख्या में लोग भूखे सोने को मजबूर है और सैकड़ों की तादाद में लोग भूखे मर भी चुके हैं और न जाने कितने लोग भूख से आगे मरेंगे। ऐसे में एक ऐसा इंसान सामने आया जो कहने पर नहीं बल्कि करने पर विश्वास रखता है। हाँ, भले ही उसने कई सारी फिल्मों में विलेन का किरदार अदा करके हमारा मनोरंजन किया हो और कई फिल्मों में तो हमें उसके ऊपर गुस्सा भी आता है, लेकिन सोनू सूद के इस कारनामे के बाद वो किसी भी रियल लाइफ हीरो से कम नहीं है। और हमें ये कहने में बिल्कुल शर्म नहीं आ रही कि सोनू सूद कोई फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम नहीं है, लेकिन जिनके ऊपर अपनी इमेज का प्रेशर था कि अगर वो इस मुश्किल घड़ी में किसी की मदद नहीं करेंगे तो उनका नाम खराब हो जाएगा। और ना ही वो बहुत बड़े MLA MP थे जिनका ये फर्ज बनता है कि वो अपने आसपास मौजूद उन सभी लोगों को मुश्किलों से निकाले जिन्हें सहायता की जरूरत है। और ना ही ये इतने बड़े बिजनेसमैन है कि अरबों खरबों रुपए हर साल इनके बैंक अकाउंट में आते रहते हों। ये तो फिल्मों में सेकंड लीड करने वाले एक्टर या फिर विलेन का काम करने वाले कलाकार है जिन्होंने आज ये दिखा दिया कि अगर आपके अंदर मदद करने का जज्बा है तो आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके अब तक 12,000 से ज्यादा लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया है, और सिर्फ उनके घरों तक ही नहीं पहुंचाया बल्कि उन्हें बसों में बैठाने से पहले खाना भी खिलाया है और रास्ते के लिए खाना भी दिया है ताकि वो भूखे सफर ना करें। यहाँ तक कि एक एक ड्राइवर को ये कहा कि हर एक इंसान को उसके घर के दरवाजे तक छोड़कर आए ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो। और ये सभी काम सोनू सूद ने बिना किसी से पैसे लेकर फ्री में किया है, जो कि इंसानियत को साफ दर्शाता है, क्योंकि सरकार को पैसा देकर अपनी तरफ से सुरक्षित होने वाले ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने पैसे तो डोनेट कर दिए हैं लेकिन कभी आगे आकर मदद का हाथ नहीं बढ़ाया। हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्या सिर्फ पैसा दे देना काफी है? क्योंकि अगर सरकार सही तरीके से काम कर रही होती तो जितने भी लोग अब पैदल चलकर अपने पैरों में छाले पड़ा चुके हैं वो कम से कम आज अपने घर पहुंचकर 2 रोटी कम ही खाते, लेकिन अपने परिवार के साथ बैठकर चैन की सांस जरूर ले रहे होते। हम ये नहीं कह रहे कि किसी ने भी मदद नहीं की, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने अपने स्तर पर लोगों की सहायता की, लेकिन अगर सभी तक सहायता इस तरह पहुंचती तो किसी ज्योति को 1200 किलोमीटर साइकिल चलाकर अपने बीमार पिता को न ले जाना पड़ता और ना ही एक बाप को अपने बेटे की लाश पैदल लेकर जानी पड़ती। यह तो सिर्फ वो केस है जो सामने आया है, क्योंकि ऐसे न जाने कितने सारे केसेस हुए हैं जिसके बारे में आप और हम तो जानते भी नहीं है। ऐसे में क्या सरकार का सिर्फ यही फर्ज बनता है कि वो हर दूसरे तीसरे दिन अपने भाषण में लोगों को आत्मनिर्भर बनने की सलाह दे? क्योंकि दोस्तों जहां तक हमने देखा है कि लॉकडाउन का तो कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा चीजें बढ़ी रही है। यहाँ तक कि हमारे देश में आज 1.5 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस पॉजिटिव केस पाए जा चुके हैं और ये सभी चीजें लॉकडाउन के अंदर हुई है, लेकिन इससे भी कई ज्यादा लोग भूखे हैं
जो अपना काम बंद होने के चक्कर में किसी लायक नहीं रह गए हैं, क्योंकि हमारे देश में लाखों की संख्या में मजदूर रहते हैं जो रोज कमाकर रोज खाते हैं और काम बंद होने के चक्कर में उनके पास किसी भी तरह का कोई सहारा नहीं रह गया है। इसलिए सरकार लाखों करोड़ों का बजट क्यों ना बना ले, लेकिन जब तक इस तरह के लोगों को मदद नहीं मिलती जो इस महामारी के चक्कर में पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं, तब तक किसी भी चीज का कोई फायदा नहीं है। बाकी आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर देना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।